वेलकम टू माई YouTube चैनल। आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले और काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने वाले। इसके पहले वाले से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना सीखा था न्यूट्रल स्पीसीज और चार्ज स्पीसीज के अंदर, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले बेसिक ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आप लोग को पता चाहिए मोल आखिर होता क्या है, ठीक है। देखो, मोल एक तरीके से क्या है, जो डिफाइन करने के लिए बोला था कितना सब्सटेंस है। तो सिंपल हम बोले व्हाट इज मोल, मोल डिफाइन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है, ठीक है। और उस सब्सटेंस को हम लोग एवोगैड्रो नंबर से शो करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने बोला 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, मतलब कितने एटम हुए। जैसे हमने बोला 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है यहाँ पर, इसका मतलब कितने एटम है यहाँ पर, 1 मोल को हम लोग एवोगैड्रो शो करते हैं, ठीक है। एन ए कितना होता है, ये 6.022 × 10³ होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। अगर हमने बोला ऑक्सीजन एटम तो कितने होंगे, 6.022 × 10³ होंगे, ठीक है, एटम। अगर हमने बोला कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे ऑक्सीजन के, तो भी इतने ही मॉलिक्यूल होंगे, कितने होंगे, 6.022 × 10³। मतलब जो पूछे आ रहा है वही उसके मोल को शो करेगा, वही उसका एवोगैड्रो नंबर के बाद यूनिट लग जाएगी, ठीक है। ये होता है हमारा मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। पहले आप लोग फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे और फिर इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले, और आज के लेक्चर हम लोग नंबर ऑफ एटम्स को भी फाइंड आउट करना सीखेंगे कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है। देखो, अगर हम लिखना चाहें मोल का, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन मास लिखेंगे, और नीचे क्या आता है, नीचे आता है हमारे पास मॉलिकुलर मास, नीचे क्या लिखते हैं, मॉलिकुलर मास, और ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ एटम पार्टिकल आयंस जो भी लिखना चाहिए यहाँ पे लिखो, अपॉन एन ए मतलब एवोगैड्रो नंबर यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अब देखो, ये हो गया हमारा मोल का फॉर्मूला जिसका हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले, क्या है, गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम आयन पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अब देखो, गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास, आखिर ये मॉलिकुलर मास होता क्या, पहले इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, देन हम लोग मोल पे पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है। आप कैसे निकालते हैं, मान लिखा हमने CO2 लिखा हमने, ठीक है, CO2 लिखा। आप लोग को पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, ठीक है। आप लोग को आई थिंक पता ही होगा, कार्बन की बात करें कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें कितना होता है, 8 होता है एटॉमिक नंबर, 16 होता है एटॉमिक मास। तो 2 यहाँ पर है, तो 2 × क्या कर देंगे, 16, तो क्या हो जाएगा, 2+ कितना हो जाएगा, 32, तो कितना आ जाएगा, ये 44 आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर क्या हो जाएगा, देखो हाइड्रोजन कितना मास होता है, 2 होता है, ऑक्सीजन का भी हमने बताया 16, ये कितना निकल के आ गया, ये आ गया हमारे पास 18। थोड़ा सा एक बड़ी यूनिट लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं यहाँ पे यूरिया लेते हैं। यूरिया क्या होता है, NH2CONH2 होता है, ठीक, इसको हम बोलते हैं यूरिया। निकालते जरा, नाइट्रोजन को होता है 14 और हाइड्रोजन को हो गया 2, कार्बन को हो गया 12, ऑक्सीजन का हो गया 16, नाइट्रोजन का हो गया 14, हाइड्रोजन का हो गया 2। ऐड कर दो जरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये दोनों को ऐड करेंगे 28 हो गया, और 12 टू ये हो गया 14, 28 हो गया, ये 14 हो गया, और ये हो गया 16, और यहाँ पे आ गया 2। ऐड कर दो, 6+4 10, 10+8 18, 18+0 20, ये हो जाएगा 60। कितना आ गया मॉलिकुलर मास, इसका निकल के आ गया 60 आ गया, ठीक है, किसका, यूरिया का। आगे और बात करते, मान लो मुझे निकालना है C6H12O6 का, आप लोग ट्राई करो कैसे निकालोगे, आसानी से समझ, आगे कैसे निकालेंगे, देखो कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है, है कितने कार्बन, 6 कार्बन, ऐड कर दो। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, कितना, 12, तो 12 × 1। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, है कितने यहाँ पर, 6, 16 × 6। जरा सॉल्व करना और बताना कितना आएगा, इसको जब सॉल्व करें तो हमारा आता है 180, आंसर कितना आता है, 180 आता है। इस तरीके से हम लोग मॉलिक्यूलर मास को सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अभी किसी में और फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। जो फॉर्मूला है मोल का, मोल क्या है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कभी आप लोगों को पूछा जाए कि बताओ गिवन मास कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, n से डिनोट करते हैं हम लोग मोल को, मोल को हम लोग n से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मोल लिख दे रहे हैं, अच्छा, मोल इंटू मॉलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, गिवन मास मिल जाएगा। गिवन मास निकालना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मान लो अगर मैं ऐसे लिखे सही है, देखो मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम या फिर पार्टिकल जो भी पूछा आ रहा है, या फिर मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो मतलब अगर मुझे मान लो मोल निकालना है, तो नंबर ऑफ एटम्स अगर दिए गए हैं उसको अगर हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिए तो मोल निकल करके आ सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमसे बोला कि क्वेश्चन में 6 × ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसको लिखते हैं हम लोग 12.044 × 10³। यहाँ पे बोला कि एटम में बताओ उसमें कितना मोल हुआ, तो कैसे करेंगे इसको, एटम को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, Na से डिवाइड करते हैं, और Na क्या होता है, 6.022 × 10³। जरा इसको डिवाइड कर दो, 6.022 × 10³।
तो डिवाइड करने पे ये कट जाएगा आपस में, ये 2 से जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर 2 मोल है, ठीक है। ये तो बेसिक हो गया, आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं इस तरीके से मोल वगैरह क्वेश्चन आते हैं। अभी बस ऐसे ऊपर ऊपर से देख लो, हम इसमें और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और बिल्कुल बेसिक से करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखो यहाँ पे निकालना सिखाएंगे कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। क्या सीखने वाले हैं, नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है और मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स, जैसे मान लो हमने लिखा NH4, आप बोलेंगे नंबर ऑफ एटम्स कितना, कैसे बताओगे? आप बोलोगे एक नाइट्रोजन है, चार ये है, तो कितने एटम है, 5 एटम है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे बोल दोगे C6H12O6, हमने पूछा बताओ नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने यहाँ पे, बोलोगे आप लोग 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और फिर 6 ऑक्सीजन है, तो ये हो गया हमारे पास 22, कितना हो गया, नहीं 12 हो गया ना, ये हो गया 24 एटम्स है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, आपने ऐसे एटम बता दिया। अगर हम लोग नंबर ऑफ एटम्स कितने एवोगैड्रो फॉर्म में कैसे निकालते हैं वो आप लोग अब सीखेंगे मोल की मदद से, ठीक है। मोल का यूज करके नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड आउट करते हैं अभी हम लोग वो सीखेंगे, ठीक है। उसको सीखने से पहले आप लोग को थोड़ा सा और यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा कि वन मोल ऑफ ग्लूकोज में बताओ कितने मोल यहाँ पे कार्बन है, वन मोल ऑफ ग्लूकोज में मोल ऑफ कार्बन कितने है बताना है, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6 होता है। अब बोला गया कितने मोल है कार्बन के, अब देखो C6H12O6 कार्बन कितना 6 है, हम लोग क्या बोलेंगे 6 मोल ऑफ कार्बन, यहाँ पे कितना है 6 मोल है कार्बन का, 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना मोल है, 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर हम बोले ऑक्सीजन कितना है, बोलोगे 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बताते हैं कि मोल की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, ठीक है। अच्छा मान लो हमने यहाँ पे आप लोग से बोला एक बात, अगर मान लो हम यहाँ पे कहते हैं आप लोग के पास 0.5 मोल ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है, 0.5 मोल ऑफ ग्लूकोज में बताओ मोल ऑफ कार्बन एटम कितना होगा, देखो कैसे निकालेंगे कार्बन का मोल, देखो ये फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, अब देखो C6H12O6 है तो यहाँ पे हम कहेंगे 6 मोल ऑफ कार्बन, तो ये गलत हो जाएगा, 6 मोल ऑफ कार्बन नहीं होगा, 6 मोल लिखेंगे लेकिन अब इसमें क्या करेंगे इनटू 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा इसका मोल। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अब कहोगे सर आपने यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई किया था लेकिन यहाँ पे एक मोल था, एक से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा देखो फिर से समझना, हमने लिखा 0.2 मोल ऑफ यूरिया है, ठीक है, बताओ वहाँ पे नाइट्रोजन का कितना मोल हुआ, ठीक है, नाइट्रोजन का कितना मोल हुआ, देखो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CONH2, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं N2H4CO ऐसे भी लिखा जा सकता है या N2COH4 ऐसे लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। अब देखो 0.2 मोल है, अब देख रहे हैं यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 × 0.2 कर देंगे। समझ में आया आप लोग कैसे करना है, इस तरीके से इसको सॉल्व किया था, तो ये कितना आ जाएगा, हम बोलेंगे 0.4 मोल है किसका, मोल ऑफ नाइट्रोजन का, इतना मोल प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग मोल को कैलकुलेट करा जाता है, ठीक है, करते हैं। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इस सब टॉपिक पर, ठीक है। अगर हमने बोला 2 × 10⁵ मोल ऑफ ग्लूकोज में बताओ ऑक्सीजन का मोल कितना है, मोल ऑफ ग्लूकोज में बताओ ऑक्सीजन के मोल कितने हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर, ऐसे आप लोग से पूछ रहे हैं, ठीक है, इतने मोल ऑफ ग्लूकोज में ऑक्सीजन का मोल कितना है, तो देखो यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, हम कहेंगे यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, कितने में पूछा गया है 2 × 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दो, जितने मोल दिया जाए उससे मल्टीप्लाई कर दो, बस बात वहीं पे खत्म हो गई, इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 12 × 10⁵ मोल आ जाएगा, कितना ये आ जाएगा ऑक्सीजन का मोल आ जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा ही देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर हमने कहा 6 × 10⁵ हमारे पास 6 × 10⁵ मॉलिक्यूल है ग्लूकोज के, मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है, बताओ तो यहाँ पे इतने ग्लूकोज, ठीक है, बोला गया है मोल ऑफ कार्बन बताओ कितना होगा। अब देखो इतने मॉलिक्यूल दिए गए हैं ग्लूकोज के, बोला गया मोल ऑफ कार्बन का मोल कितना होगा, अब देखो कितना लिखा गया 6 × 10⁵,
कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले इसको हम लोग मूल में कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, 6 इनटू 10 की पावर 5 को na से डिवाइड कर देंगे। अभी हमने सॉल्व कराया था, देखो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ एटम पार्टिकल मॉलिक्यूल जो भी दिया अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया रखा है 6 इनटू 5 और एवोगैड्रो नंबर्स को हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर 6 हमारे पास क्या होते हैं, कार्बन एटम होते हैं। इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, आप लोगों को बहुत प्रिपेयर रहना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन का लेवल और बढ़ा करके आप लोग को हम देते हैं करने के लिए, इसे बिल्कुल बेसिक मतलब इसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सब करा रहे हैं, जिससे आप लोग कोई भी टाइप का क्वेश्चन है आप लोग आसानी से सॉल्व कर सको, ठीक है। ये तो होगा एटम्स को लेकर के। एक क्वेश्चन आप लोग और करना चाह रहे हैं, जरा देखिएगा क्वेश्चन क्या है। 0.14 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन H4P2O7 में प्रेजेंट है, ठीक है। हाउ मेनी मोल ऑफ H4P2O7, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि H4P2O7 का कितना मोल होगा। क्वेश्चन को ध्यान समझेंगे, इसी को थोड़ा सा उल्टा करके बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया 0.1 मोल क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन एटम है जो कि H4P2O7 के अंदर प्रेजेंट है, तो पूछा गया हाउ मेनी मोल ऑफ, कितने मोल होंगे H4P2O7 के। जरा समझेंगे फिर से क्वेश्चन को, H4P2O7 के अंदर 0.14 मोल क्या है, ऑक्सीजन के एटम है, तो बोला गया है कितने H4P2O7 आके होंगे वहां पे। देखो हम लोग कैसे निकालते हैं, जरा क्वेश्चन को उल्टा तरीके सोचेंगे, ठीक है। हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, मान लो मुझे सॉल्व करना होता मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, हम क्या करते हैं 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके मोल को, मोल ऑफ H4P2O7। जरा देखो अभी तक तो हम लोग यही करते आ रहे थे ना, जैसे मान लो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, कार्बन का पूछा गया था, हम लोग क्या करते 6 को इससे मल्टीप्लाई कर देते, वही हमने यहाँ पर भी किया, 7 है इसके पास ऑक्सीजन और इसको हमने मोल ऑफ H4P2O7 से मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे हमने यहाँ पे देखो मोल ऑफ ग्लूकोज से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो वही चीज हमने यहाँ पे भी तो किया। अब मुझसे क्या पूछा गया, मुझसे ये चीज पूछा गया मोल ऑफ H4P2O7 कितना होगा और मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम दे रखा गया है वो कितना है 0.14, 7 को इधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इक्वेस्ट कितना आ जाएगा मोल ऑफ H4P2O7, कितना आसान है, देखो ये कट जाएगा कितना आ जाएगा 0.2 मोल होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कि कैसे आंसर आएगा। चलो अब आगे बढ़े, यहाँ से निकल जाएगा मोल निकालना, आप लोग को आई थिंक आ गया होगा। हमने आसान से क्वेश्चन भी करा दिया, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिया, अगर ऐसे क्वेश्चन बनेगा आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर लेवल को चेंज करते हैं, दूसरे टॉपिक पर आते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग एटम्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट करने का तरीका। जैसे मान लो हमारे पास एक एटम है AXBY, ठीक है, एक एटम है AXBY, अगर हमने आप लोग से कहा कि नंबर ऑफ ए एटम बताओ कितना होगा, क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर ऑफ ए एटम्स बताओ कितने होंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ ए एटम्स, तो यहाँ पे देखो AXBY लिखा गया, एक्स को क्या करो, एक्स को मल्टीप्लाई कर दो किससे, मोल ऑफ AXBY के मोल से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से आप लोगों को पता है क्या निकल के आएगा, यहाँ से आप लोगों को पता है A का मोल निकल के आएगा, क्योंकि अभी हमने यही चीज सिखाया है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से A का मोल निकल करके आएगा कि A के मोल इतने हैं। अच्छा मोल को अगर मुझे नंबर में बनाना तो क्या करेंगे, बोल गए ना, देखो यहाँ फॉर्मूला, देखो मोल का हमने फॉर्मूला क्या बताया था, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, हमने क्या पूछा नंबर ऑफ ए एटम, ये मुझे निकालना है नंबर ऑफ एटम्स, तो हम लोग मोल को एन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। वन अप कॉन्सेप्ट क्लियर, देखो मोल का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, मेरे पास मोल बन के आ गए, क्योंकि हमने सीखा था मोल कैसे निकालते हैं एक एटम का, इसको हम लोग एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स तो निकल ही जाएगा। कैसे निकलेंगे, एन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन ए क्या होता है 6.022 × 10³। याद रखना बार बार रिवाइज करके, ठीक है। नंबर ऑफ अगर बोला गया बी एटम कितना होगा यहाँ पे, देखो बी एटम कैसे निकालेंगे, बी के पास वाई है तो वाई इंटू क्या करेंगे हम लोग, मोल ऑफ ए एक्स बी वाई कर देंगे, ठीक है।
अब इसको क्या करेंगे हम लोग एन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर वही हमने काम किया, एन ए से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये जो था ये हमारा था मोल, ये था मोल, और मोल को जब हम लोग एन ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स निकल करके आ जाता है, जो कि देखो नंबर ऑफ बी एटम्स निकल करके यहाँ से आ जाएगा। अच्छा अगर बोल लिया गया टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम यहाँ पर कितना होगा, देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो एक्स भी लेंगे तो वाई भी लेंगे, चाहो तो दोनों को अलग अलग से निकाल के जोड़ दो तो भी सही है, जैसे मतलब समझ में आ जाए चाहे जैसे करो, ठीक है। चाहो तो हम एक साथ ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू मोल ऑफ ए एक्स बी वाई, मोल ऑफ ए एक्स बी वाई इंटू एन ए से मल्टीप्लाई कर दे, ये भी तरीका सही है, ऐसे करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीका बिल्कुल सही है। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, अब करेंगे इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स, ठीक है। चलो रेडी हो जाओ न्यूमेरिकल्स करने के लिए, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। हाँ चलो पहला न्यूमेरिकल देते हैं इसी टॉपिक पर, नंबर ऑफ बताना है, नंबर ऑफ एटम कितने होगा इन 0.1 मोल ऑफ 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस, एक ट्राई एटॉमिक गैस है तो नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा 0.1 मोल में। देखो तरीका क्या होता है, ट्राई एटॉमिक गैस हो गया, जैसे मान लो हमारे पास मान लेते हैं N3 हो गया, ये ट्राई एटॉमिक गैस है ना, कोई भी ट्राई एटॉमिक गैस है तो कैसे निकालते हैं, देखो नीचे वाला नंबर क्या है 3, उसको आगे लिखेंगे 3 ऐसे लिखेंगे, देखो जैसे मैंने आपको किया था ना AXBY था, X को आगे लिखा था A से फिर मल्टीप्लाई किया गया था, ठीक है, वही मोल ऑफ AXBY से 3 हमने यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई बाय मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस, कितना मोल है 0.1 मोल है, 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये तो इसका मोल आ गया, पूछा क्या गया नंबर ऑफ एटम्स, इसलिए इसको एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी टॉपिक पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं टोटल नंबर ऑफ आयंस बताने कितने होंगे 10^-2 मोल, 10^-2 मोल ऑफ Na3PO4, क्या निकालना है टोटल नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना होगा, ठीक है। कोई घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस पूछे तो भी हम लोग कर लेंगे, देखो कैसे कर लेंगे, जरा देखना क्या बोला गया Na3PO4, तो क्या हो जाएगा Na प्लस अलग कर दे इसको, 3 मोल ऑफ Na प्लस अलग कर दे, PO3 को अलग कर दें तो क्या हो गया 3, 1, 4 आयंस है यहाँ पे, 4 आयंस है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले आपको करना क्या है आयंस पता करने कितने हैं, ठीक है। देखो 3 सोडियम का 1 फॉस्फेट का आयन है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 आयन हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 आयन हो गया, 4 को मल्टीप्लाई कर दो मोल से, कितना आ गया 10^-2, ये आ गया मोल निकल के, मोल को आयन में पूछा गया है, आयन निकालने के लिए क्या करेंगे एन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए हमने आप लोगों को बताया था कि एन इक्वल्स टू द गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल एटम आयन कुछ भी पूछा जाए अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आयन पूछ लेगा तो भी एन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ एटम्स को लेकर के, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारे लिए, आखिरी क्वेश्चन करते हैं इसी टॉपिक पर बेस्ड। N2O5 है जिसके अंदर 6.022×10^20 एटम्स है, कितने एटम्स है इतने एटम प्रेजेंट है, हाउ मेनी मोल ऑफ N2O5 फॉर्म बाय गिवन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अच्छा कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम मिलकर, अच्छा ये उल्टा को थोड़ा सा घुमाया गया क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या पूछा गया है ये N2O5 है इसके इतने नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है इतने नंबर ऑफ एटम्स, क्वेश्चन रीड करते हैं N2O5 कंटेन 6.022×10^20 एटम्स हमने लिख दिया है ऑफ ऑक्सीजन, अच्छा ये ऑक्सीजन के एटम्स है, ऑफ ऑक्सीजन के एटम्स दे रखे गए, ठीक है। हाउ मेनी मोल ऑफ N2O5 फॉर्म द गिवन नंबर, कितने मोल मिलकर के इतना फॉर्म करेंगे, जरा देखना कैसे सॉल्व करेंगे। अब मुझे क्या निकालना है ऑक्सीजन एटम, वही पहले वाला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन एटम फाइंड आउट करना है, है कितने ऑक्सीजन यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है, ये देखो ऑक्सीजन एटम कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, याद करो किसी भी नंबर में अगर ऑक्सीजन एटम मान लो फाइंड आउट करो, कोई भी एटम फाइंड आउट करना हुआ क्या तरीका होता है कितने मोल वो उसको मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर से, तो बस यहाँ पे आप लोग सॉल्व करके और मुझे बताओ जरा क्या आएगा आंसर इसका, यहाँ पे क्या दिया ऑक्सीजन एटम इक्वल्स कितना हो जाएगा 5 ऑक्सीजन एटम है 5 लिख दिया हमने, अब मोल कितना होगा, मोल तो मुझे पता नहीं, निकाल लेंगे मोल 6.022×10^20
अपॉन कितना हो जाएगा एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं कितना आएगा, जरा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर कितना आएगा, ये आप लोग के लिए हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। होमवर्क से घर से करके लाएंगे इसका आंसर कितना आएगा, करना कुछ नहीं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, और ये इसमें डिवाइड में चला जाएगा एन ए के साथ, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल निकल आएंगे कितना होगा। तो यहाँ तक आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि मोल पे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।